उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अलर्ट के दौरान सतर्क रहें। प्रदेश में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी मौसम का ध्यान रखने की जरूरत है। अगर जरूरी नहीं है तो खराब मौसम के दौरान अपनी यात्रा को भी आगे के लिए बढ़ा दें। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश के सभी इलाकों पर SDRF और NDRF की टीम तैनात है, साथ ही आपदा प्रबंधन तंत्र भी सभी जगह अलर्ट मोड में काम कर रहा है। पिछले 48 घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। आपदा के क्षेत्र हैं, उन आपदा के क्षेत्रों की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, वहाँ पर जो यथासंभव सहायता है उस सहायता को कर रहे हैं। प्रशासन और हमारे दूसरी संस्थाओं के लोग, NDRF, SDRF, ITBP और सेना के लोग भी लगातार हमारे संपर्क में हैं, जहाँ पर जैसी ज़रूरत हो रही है उनको भेज रहे हैं। हमारा प्रयास है कि इस आपदा के समय में हम चूँकि आपदा को रोक तो नहीं सकते, लेकिन आपदा के बाद जो नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, वो हर संभव सहायता